मैं गौरी गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। मैं जो समाज में आज हलचल मची हुई है और एक मिनिस्टर को राजीनामा देना पड़ा, मैं सोचता हूँ बाबा साहब ने संविधान में राइट टू रिलीजन का मुद्दा फंडामेंटल राइट है। कोई भी आदमी जो सोच समझता 18 साल का है वो कौन सा भी धर्म का आचरण कर सकता है, कौन सा भी देव देवता को का पूजा कर सकता है। जो 22 प्रतिज्ञा पर रोक लगाने की कोशिश चल रही है, मैं बोलता हूँ संविधान के खिलाफ है। इस प्रकार के मुद्दे है आज देश में। जिस समय से यह केंद्र की सरकार है, राज्यों में इनकी सरकार है, दलितों पर, वंचितों पर, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइबों पर अत्याचार बढ़ गए। ये समझ लगे है कि हमें अत्याचार करने का परमिशन इनके धर्म गुरु ने दिया, धर्म पवित्र धर्मों ने दिया है। ये आज सोच है, उस पर हमें बात करनी पड़ेगी यहाँ के सम्मेलन में। इस मुद्दे के साथ इस देश में जो संविधान की छेड़छाड़ हो रही है, जो बाबा साहब ने संविधान में स्तंभ खड़े किए थे, उस पर जो पिलर्स है, जो न्याय व्यवस्था है, एग्जीक्यूशन है, लेजिस्लेटिव है, मीडिया है, कैग जैसे है, NRC है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये सब मैं समझता हूँ उद्ध्वस्त हो गए हैं, किसी सरकार के हाथ में चले गए हैं। इसके लिए पूरा अपोजिशन आने वाले समय में मैं समझता हूँ जेल में दिखेगा और एक पार्टी रूल होगा, उसको विरोध करने के लिए हम इस सम्मेलन से, अंबेडकर आबादी लोग इस सम्मेलन से मैसेज देना चाहते हैं। सर एक सवाल है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।